नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। शुरुआत अफगानिस्तान में तालिबान के गणतंत्र से। तालिबान का नकाब धीरे धीरे अब उतरता जा रहा है, उसका असली चेहरा अब सबके सामने आ रहा है। सबसे पहले आपको तालिबान का झूठ दिखलाते हैं। तालिबान की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है कि उनकी सरकार बंदूक नहीं बल्कि कानून का राज स्थापित करेगी, लेकिन उनकी हरकतें पूरी कलई खोल रही हैं। काबुल में तालिबान के आतंकी लोगों पर सरेआम कोड़े बरसाते दिख रहे हैं। तालिबान इसी के लिए जाने भी जाते तो सीधी तस्वीरें काबुल की देख रहे हैं आप, जहां पर देखिए किस तरीके से लोगों पर कोड़े बरसाए जा रहे हैं। और एक तालिबान बार बार ये कहता रहा, वो नया तालिबान है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये दिखा रही हैं कि किस तरीके का खेल वहां पर चल रहा है। लोग भागते नजर आ रहे हैं, जो लोग प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर पहुंचते हैं उन पर गोलियां चला दी जाती हैं। कई लोग घायल हुए, कुछ लोगों की मौत हुई। वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीर जरा आप देखिए, वहां कोड़े बरसाते हुए लोगों पर ये तालिबानी नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरीके की स्थिति इस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद बनी हुई है। लोग वहां से निकलना चाह रहे हैं, काबुल एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। आपको बता दें एयरपोर्ट पर भी फायरिंग की गई, जो लोग वहां पर इकट्ठा हो रहे थे उन पर फायरिंग की गई। चीख पुकार मची हुई है, अफरा तफरी मची हुई है। कई लोग तो अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो कई लोग जो बाहर निकल रहे हैं उन पर देखिए किस तरीके से कोड़े बरसाए जा रहे हैं। अमित पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। और अमित, नए तालिबान का राग छेड़ने के बाद हरकतें तो पुरानी वाली ही है। हाँ जी बिल्कुल, जो तस्वीरें दुनिया की मीडिया के सामने आई हैं तालिबान की इस उसके दूसरे वर्जन में, जब उसने काबुल पर अफगानिस्तान पर कब्जा जमाया है, वाकई हैरान करने वाली है। क्योंकि इसमें हर तरफ अगर हम देखते हैं तो मानवाधिकारों का उल्लंघन है और ऐसी चीजें हो रही हैं जो कि दुनिया में किसी भी हिस्से में नहीं हो रही है। मसलन जैसे कूड़ा मारना या फिर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हवाई फायरिंग करना, लोग डर के मारे महिलाओं की तस्वीर हटा रहे हैं अपने अपने प्रतिष्ठानों से। तो बेशक चाहे जो भी तालिबान का है, तालिबान के प्रवक्ता मीडिया के सामने आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, चाहे उनके जो शीर्ष नेता हैं वो कुछ कहें, लेकिन ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं और दुनिया के किसी भी कोने में ऐसी तस्वीरें नहीं दिख रही हैं। और जाहिर सी बात है कि जब ऐसी तस्वीरें आएंगी तो दुनिया अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींचना वह स्वाभाविक है। और ये तो अभी शुरुआत भर है, अब देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके से अपना प्रशासन कायम करने के लिए, अपना कब्जा रखने के लिए तालिबान और किस तरह की गतिविधियां चलाता है। क्योंकि लड़ाकों का अंदर घुसना अलग होता है, लेकिन किसी भी जगह पर वहां का प्रशासन नियंत्रण करना और प्रशासन चलाना बहुत अलग चीज होती है। कल एक अहम डेवलपमेंट हुआ कि काबुल के जो मेयर हैं वो आ गए हैं, तालिबान ने आदेश दिया जो भी सफाई कर्मचारी हैं काबुल के वो आए, वो अपना काम करें। लेकिन ये महज आदेश भर है, कैसे ये पूरा प्रशासन मुकम्मल होगा, कैसे आम दिनचर्या चलेगी अफगानिस्तान में और कैसे ये सब जो विचलित करने वाली तस्वीरें रुकेंगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। वही देखिए काबुल एयरपोर्ट से आई इन तस्वीरों को जरा आप देखिए। तालिबान के खौफ से अफगानिस्तान से बाहर निकलने के लिए वहां भारी भीड़ जुटी है, हर कुछ कोई जो है वो वहां से निकलना चाहता है। तालिबान की तरफ से यहां पर काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग की जाती है। काबुल एयरपोर्ट की ये तस्वीरें दिल चीर कर रखने वाली हैं। लोगों की चीख और बेबसी किसी का भी कलेजा छलनी कर सकती है। और ये तस्वीरें देखिए और जरा सुनिए पहले आप, ये जो आवाज आ रही है ये गोलियों की। तो ये तस्वीरें आपने देखी काबुल एयरपोर्ट की, वहां महिलाएं पुरुष बच्चे अपनी जान बचाने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि एकमात्र रास्ता अफगानिस्तान से निकलने का काबुल एयरपोर्ट ही है। और यहां पर जब लोग पहुंच रहे हैं
चलते ये गोलियां चल रही हैं। कितने लोग घायल हुए या किसी की जान गई अभी ये जानकारी नहीं है, लेकिन दहशत जरूर लोगों के बीच में है, डर का माहौल है, लोग चीखते चिल्लाते भागते दौड़ते इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। अमित सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, ये लगातार हम देख रहे हैं प्रदर्शन हो रहा है तो वहां पर फायरिंग हो जा रही है, उसमें कुछ लोगों के मरने और घायल होने की खबर आई, एयरपोर्ट पर लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है, आप उन्हें जाने भी नहीं दे रहे, आप वहां पर भी फायरिंग कर रहे हैं, क्या उसमें भी किसी की मौत या घायल होने की खबरें आई हैं? देखिए, जिस तरीके की तस्वीरें काबुल से आ रही है वही तस्वीरें हम अभी दर्शकों को अपने दिखा रहे हैं। और देखिए, काबुल से या फिर अफगानिस्तान के दूसरे प्रोविंस से लोग भाग क्यों रहे हैं, क्यों वो चाहते हैं कि वो दूसरे देश में जाके अपना ले, वजह साफ है क्योंकि जो दहशत है तालिबान का वहाँ लगातार बढ़ता जा रहा है। और जैसे कि हमारी वहाँ पर लोगों से बातचीत हो रही है, जो दिल्ली में अफगानी मौजूद हैं, जब उनसे हमारी बातचीत हो रही है, क्योंकि अफगानियों के परिजन काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है दिल्ली में रहते हैं, और उनका साफ साफ ये कहना है कि अब जो तालिबान भले ही कुछ कहे, तालिबान कहे कि वो महिलाओं को भागीदारी देगा सरकार में, तालिबान भले ही कहे कि वो 20 साल पुराना वाला तालिबान नहीं है, ये तालिबान 2.0 है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। काबुल की तो स्थिति छोड़ दीजिए, काबुल के दूसरे प्रोविंसों की अगर स्थिति बात करें, हम कंधार की बात करें, मजार शरीफ की बात करें, तौर की बात करें, तो उन सभी प्रोविंस में क्या हो रहा है कि जो तालिबान हैं वो लोगों के घरों में जबरदस्ती घुसते हैं, उनके घरों को जाकर चेक करते हैं, अगर घरों में छोटी बच्ची या महिलाएं हैं तो उन्हें वो लेकर अपने साथ चले जाते हैं, अगर कोई रिजिस्ट करता है तो उन्हें उसी वक्त वहीं पर गोली मार दी जाती है। इसके अलावा जलालाबाद में जिस तरीके से खबरें आई कि जलालाबाद में अफगानिस्तान फ्लैग को जिस तरीके से तालिबानियों ने नीचे उतारा और फिर अपने सफेद रंग के फ्लैग को उठा दिया, तो उसको कुछ लोगों ने विरोध किया, जिन्होंने विरोध किया उसे भी मारे जाने की खबर आ रही है। और यही वजह है कि अफगानिस्तान के लोग जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ देख रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है वो उसके सिर पर इस वक्त चिंता की लकीर है। हालांकि अब रसिया और तमाम जो दूसरे देश है अभी उनका कंडक्ट वो ये कह रहा है कि उनकी कंडक्ट देखने की जरूरत है, तालिबान के कंडक्ट देखने की जरूरत है, लेकिन जो रक्षा विशेषज्ञ है उनका साफ साफ ये कहना है कि हथियार के दम पर कहीं सत्ता नहीं जीती जा सकती और लोगों के दिलों पर राज नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति घनी कह रहे थे कि अगर तालिबान को सत्ता पे काबिज होना है तो वो आए और सीधे और चुनाव में पार्टिसिपेट करें, लेकिन तालिबान ने कभी चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं किया। तालिबान के आला कमान ये जानते थे कि अगर वो चुनाव में जाएंगे तो वो बुरी तरीके से हारेंगे, क्योंकि तालिबान के लोग उन्हें बिल्कुल ही पसंद नहीं करते, खासतौर से महिलाएं और बच्चे। जी रही आप जरा साथ, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां के जो हालात हैं वो हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ रहे हैं, पूरे देश में भय, डर, खौफ और दहशत का माहौल है, हर शख्स तालिबान के बर्बर रवैये से घबराया हुआ है, महिलाएं घरों में कैद हैं, सड़कों पर तालिबान के आतंकी राइफल और रॉकेट लॉन्चर लेकर घूम रहे हैं, हालात इतने बुरे हो चले हैं कि वहां तालिबान का विरोध करने वालों को गोली मार दी जा रही है, यही वजह है कि वहां रहने वाले जो लोग हैं वो अब किसी भी सूरत में काबुल छोड़कर दूसरे देश में शरण लेना चाहते हैं, इसके लिए वो जान जोखिम में डालने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। अफगानिस्तान में मचे हाहाकार से जुड़ी जरा ये तीन तस्वीरें हमने आपके सामने रखी, नजर डालिए। पहली तस्वीर अफगानिस्तान के जलालाबाद की, जहां विरोध करने वालों पर तालिबानी आतंकियों ने तोड़फोड़ और फायरिंग की, जिसमें कुछ लोगों की मौत हुई। दूसरी तस्वीर काबुल एयरपोर्ट की आप देख रहे हैं, जहां देश छोड़ने वालों की भीड़ पर गोली मारी गई। तीसरी तस्वीर अशरफ गनी से जुड़ी, जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान छोड़ने पर सफाई दी, उन्होंने कहा कि अगर वो काबुल नहीं छोड़ते तो वहां और खून खराबा होता। तो ये दो तस्वीरें, हम तीन तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर देखिए तालिबान का जो लोग विरोध कर रहे हैं उन पर फायरिंग करते हुए ये तालिबानी नजर आ रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर भारी संख्या में भीड़ पहुंच रही है तो आप वहां पर फायरिंग कर रहे हैं, चाबुक से लोगों को मारते नजर आ रहे हैं, कोड़े बरसाते नजर आ रहे हैं और नए तालिबान की बात कर रहे हैं। अब इस बीच जरा अशरफ गनी की सफाई सुनिए, वो कह रहे हैं कि अगर वो वहां होते, यानी वो काबुल में अगर रहते और वक्त रहते वहां से नहीं निकलते और खून खराबा होता, तो अभी अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, गनी साहब को ये भी बताना चाहिए। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के विरोध में लोग सड़कों पर उतरने लगे हैं, कई जगहों से इस विरोध की तस्वीरें सामने आई। खोस्त और जलालाबाद में लोगों ने अफगानिस्तान के झंडे को सम्मान दिलाने की मुहिम शुरू की। जलालाबाद में तो प्रदर्शन से भड़के तालिबान की फायरिंग में दो लोगों की मौत हुई। वहीं कुनार प्रांत में तालिबान के कब्जे के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे हैं, अपनी जान की परवाह ना करते हुए सड़क पर तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन का मतलब दुनिया जानती है।
ये लोग जानते हैं कि उन्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, लेकिन फिर भी ये बगावत का बिगुल बजाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। अमित पांडे का रुख कर लेते हैं। अमित, यानी देखिए जो लोग हैं अब वो सड़कों पर उतर रहे हैं क्योंकि उनके जवान तो भाग गए। जो बाइडेन का बयान एक बार आया था, उन्होंने कहा कि अफगान राष्ट्रीय सुरक्षा बल के 3 लाख जवान हैं और तालिबान के तकरीबन 75,000 विद्रोही हैं, उनसे सामना करने के लिए तैयार हैं। कहां गए वो सारे जवान? क्या 75 पर तीन, मतलब 3 लाख पर ये 75 भारी पड़ गए? हाँ जी बिल्कुल, जिस तरीके से तालिबान का पूरा एडवांसमेंट था, चाहे हेरात, कंधार, कुंदूज, जलालाबाद, जितने भी प्रांत हों, एक एक करके तालिबान ने रणनीतिक तरीके से आगे बढ़ना शुरू किया। उनकी संख्या अभी 70 से 80 हजार तक उनकी फोर्स की संख्या बढ़ाई जा रही है, जबकि इधर जो अफगानिस्तान की आधिकारिक सैन्य शक्ति थी वह 3 लाख के आसपास थी। लेकिन जिस रणनीति का उन्होंने सहारा लिया और जैसे समय समय पर उनको संसाधन मुहैया करवाया गया, उनको सपोर्ट मुहैया करवाया गया, जब जरूरत पड़ी तब उनको मुहैया करवाया गया। और इधर जो अफगानिस्तान की सेना थी, इसके पास बहुत ज्यादा संसाधन की कमी थी, कोई सेंट्रल कमांड नहीं था, कोई समन्वय नहीं था। जो ये तो थी तालिबान की रणनीति, जिस तरीके से आगे गया और बिना गोली चलाए, बिना खास हिंसा कर उसने काबुल में कब्जा जमा लिया। अब जो ये लोग तालिबान के खिलाफ झंडा लहरा रहे हैं और जो थोड़ा बहुत विरोध करने की जरूरत कर रहे हैं, तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल क्या है कि तालिबान उनकी इस कार्रवाई को किस तरीके से देखता है? लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत देखता है, उनको समझाया बुझाया जाएगा? और जैसा कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में होता है कि एक विरोध की बात सुनी जाती है, वार्ता होती है प्रदर्शनकारियों से, या फिर उसका पुराना तरीका कि जो जैसा सब जानते हैं 20 साल पहले हुआ था, ये बड़ा सवाल है। इस पर तालिबान ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, ये और इस पर भारत समेत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर जरूर रहेगी कि आखिरकार तालिबान इस पूरी प्रक्रिया को कैसे देख रहा है। रही आप जरा साथ, खोज से लेकर जलालाबाद और जलालाबाद से लेकर नंगरहार तक तालिबान के खिलाफ लोगों का जो आक्रोश है वो साफ नजर आ रहा है। तालिबान के सफेद दहशत के बावजूद निकलकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि तालिबान अफगानिस्तान के झंडे की बेइज्जती ना करे, तालिबान अफगानिस्तान के झंडे की जगह अपना झंडा ना फहराए। भले ही अफगानिस्तान की सेना ने हथियार डाल दिए हो, भले ही अफगानिस्तान की अशरफ गनी सरकार ने तालिबान के आगे समर्पण कर दिया, लेकिन लोग इतनी जल्दी हार मानने को तैयार नहीं। अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति और वहां के सबसे बड़े नेता अमरुल्ला सालेह ने एक ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मैं तालिबान के खिलाफ राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए अलग अलग स्थानों पर अपने देश के सम्मानीय लोगों के साहसी और देशभक्तपूर्ण आंदोलन के लिए अपना सम्मान, समर्थन और प्रशंसा व्यक्त करता हूं। कई शहीद इस तरह से गरिमा के साथ शहीद हुए थे, जो राष्ट्रीय ध्वज को लेकर देश और देश की गरिमा के लिए खड़े हैं, उन्हें सलाम करते हैं। तालिबान कितने दावे करे कि इस बार उसकी सीरत बदल गई है, इस बार तालिबान 2.0 है, लेकिन धीरे धीरे उसका जो नकाब है वो उतरता जा रहा है। तालिबान के कब्जे से अफगानिस्तान के लोग दहशत में जीने को मजबूर है। आलम यह है कि आम अफगानी भी अब वहां रहना नहीं चाह रहा, वहां से निकलने का रास्ता सिर्फ एक है और वो है काबुल एयरपोर्ट, जहां हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ लगी हुई है। काबुल एयरपोर्ट से आई जो डर की 3 तस्वीरें हैं वो रख रहे हैं हम आपके सामने। पहली तस्वीर जरा देखिए, वहां हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो जमा हुए हैं किसी भी सूरत में काबुल से निकलने की उनकी कोशिश है। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, कई महिलाएं एयरपोर्ट के अंदर जाने की कोशिश में जुटी हैं, लेकिन वहां मौजूद अमेरिकी सैनिकों को देखकर कुछ महिलाएं फूट फूट कर रो पड़ी हैं। इन महिलाओं ने अमेरिकी सैनिकों से उन्हें बचाकर देश के बाहर ले जाने की गुहार लगानी शुरू की है। अब जरा तीसरी तस्वीर देखिए,
उन लोगों की है जो अफगानिस्तान छोड़ने के लिए विमान के लैंडिंग गियर में चढ़ गए, लेकिन जब विमान उड़ा तो हवा के दबाव की वजह से वो नीचे गिर गए और उनकी मौत हो गई। अमित सिंह भी हमारे साथ मौजूद है। अमित, साले ने तो देखिए राष्ट्रपति अपने आप को खुद कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया, अब जो लोग हैं वो भी सड़कों पर उतर रहे हैं, वो भी तालिबान को सीधे तौर पर चुनौती दे रहे हैं, क्या इन सब से कोई फर्क पड़ेगा? क्या कोई हालात वहां पर सुधरते हुए इन सब से नजर आ रहे हैं क्या? देखिए, इस सब से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये जरूर है कि जो साले ने जो खुली चुनौती दी है तालिबान को, अब वो साले कहीं अफगानिस्तान के इंटीरियर में जाएंगे और वो अपनी शक्ति को बढ़ाएंगे, और उसके बाद जिस तरीके से हमने देखा कि 20 साल बाद तालिबान ने कमबैक किया है, अफगानिस्तान की सरकार से उसने टकराव लिया और बिना रेजिस्टेंस के अफगानिस्तान सरकार, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति, अफगानिस्तान के आर्मी, और चौंकाने वाली बात है कि 3 लाख, जो बाइडेन ने भी बयान दिया था यूएस प्रेसिडेंट ने, कि 3 लाख अफगानी आर्मी थी और उनके, और यहाँ केवल 75 से 80 हजार के आसपास जो तालिबान थे उनके सामने घुटने टेक दिए। अफगानी लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार अफगानी आर्मी ने क्यों घुटने टेके। तो जाहिर तौर पे अब जो साले हैं वो जाकर अपनी शक्ति को और बढ़ाएंगे और वो तालिबान से लड़ने के लिए देशभक्त, अब जैसा कि उनका दावा है कि देशभक्तों और जो शक्तिशाली लोग हैं उन्हें अपने साथ जोड़ने की वो कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर तैयारी करेंगे। और ये आलम अब हम देखिए 20 साल पहले भी हम देख चुके हैं, 20 साल पहले जब उस वक्त ही, तो उस वक्त काफी ज्यादा रेजिस्टेंस हुआ था। यहाँ फर्क इतना है कि यहाँ पर इस बार रेजिस्टेंस नहीं हुआ है और लोग जो अफगानी आर्मी है उन्होंने पहले ही घुटने टेक दिए। तो जिस तरीके से लोग सोच रहे थे, जैसे कि एक शख्स से हमारी बातचीत हुई थी, जब वो रात को सोए तो उनको मालूम था कि काबुल तक तालिबान पहुंचे, लेकिन जैसे ही सुबह उठते हैं 11 बजता है उन्हें मालूम चलता है वो जलालाबाद तक है, उसके बाद उनको मालूम चलता है कि काबुल में तालिबान एंटर कर चुका है। तो इस वजह से काफी ज्यादा अफरा तफरी मच गई थी और पूर्व राष्ट्रपति गनी देश छोड़कर चले गए थे। राष्ट्रपति के सलाहकार से भी खुद मेरी बातचीत हुई थी और एक तरफ गनी दुबई गई तो दूसरी तरफ उनके सलाहकार जो है इंडिया चले आए। तो इस तरीके से जो अफगानिस्तान के सरकार में जो काबिज थे, जो लोग, वो जो अधिकारी थे वो अफगानिस्तान छोड़ने लगे और वहीं तालिबान जाकर राष्ट्रपति भवन और जो तमाम दूसरे सरकारी बंगले थे वहां पर जाकर वो काबिज हो गए। और अब जाकर दहशत देखा जा सकता है कि किस तरीके से काबुल और खासतौर से जो अफगानिस्तान के इंटीरियर है वहां किस तरीके से तालिबान लगातार अपनी दहशत बढ़ा रहा है। और जहां तक रहा जो लोग रेजिस्ट कर रहे हैं, जो लोग तालिबान के खिलाफ हैं, उनके बारे में क्या करेंगे? तो तालिबान किसी से बातचीत नहीं करता क्योंकि अफगानिस्तान की जो पूर्व सरकार थी वो लगातार तालिबान को बातचीत के लिए कह रही थी, तालिबान ने कभी बातचीत नहीं किया। तालिबान का जो विरोध करता है उसके साथ तालिबान, हम वीडियोस के जरिए देख रहे हैं कि क्या सलूक करते हैं। अर्पिता, रही आप जरा सा देखिए, अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद से ही वहां के लोगों में डर और दहशत का माहौल है। हर रोज तालिबानी जुल्म और जोर जबरदस्ती की नई तस्वीरें आ रही हैं, जिसका खौफ लोगों में साफ नजर आ रहा है। तालिबान से डरे लोग अपनी दुकानों के बाहर लगी महिलाओं की तस्वीरों को ढकने की कोशिश में जुट गए हैं। ये वीडियो भी सामने आया, काबुल से ये वीडियो सामने आया, जहां एक शख्स एक सलोन के बाहर लगी महिला की तस्वीर को काले रंग के पेंट से ढकने की कोशिश करता दिखाई दिया। तो ये तस्वीरें काबुल की, लोग किस तरीके से दहशत में हैं, खौफ में हैं, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। वहां पर सलोन के बाहर ये महिला की तस्वीर लगी थी जिसे काले रंग से पेंट करता ये शख्स नजर आ रहा है, दहशत में, डर में, क्योंकि अगर वो यही नहीं करता तो उसकी दुकान तोड़ी जा सकती है, उसके साथ बर्बरता हो सकती है, और इसी बात का डर, इसी बात का खौफ लोगों में है। तो ये दो तस्वीरें भी हम जरा आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके की स्थितियां हैं। वहां पर हर कोई डरा हुआ है, इक्के दुक्के दुकान खुले हुए हैं और वो दुकान अगर खोल भी पा रहे हैं तो कुछ ये तरीका अपनाना पड़ रहा है उनको अपने दुकानों को खोलने के लिए, ताकि तालिबानी उन पर किसी तरीके का जुल्म ना ढाएं। वही दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के दूतावास के बाहर बड़ी संख्या में अफगान नागरिक वीजा की उम्मीद में खड़े नजर आए। उन्होंने भारत में अफगान के लोगों को शरण दिए जाने का फैसले का जो स्वागत किया। थैंक यू सो मच, इंडिया के लोग जो है हम लोगों को सपोर्ट देता है, हम लोगों का ऐसा अपना सीना पार के हम लोगों को ऐसे बुलाता है, कहा जाओ भाई हम लोग आपके साथ हैं। अफगानिस्तान में नहीं जा सकता हूँ, हम इंजुरित हो, हम पुलिस से पहले अफगानिस्तान में अभी मुंह में गोली लगाया और गोली लगी थी और एक पैर में लगे हैं। हम इधर आया है कि अगर हो सके तो ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी हमको वीजा दे दे, उधर भेजेगा, इसलिए आया है।
जाएंगे, आप कैसे उनसे बोलेंगे कि हाँ हमें वीज़ा चाहिए? यूनिस्टर ऑफिस में किसी को हेल्प नहीं करते हैं दिल्ली में, स्पेशली अफगान लोग, क्योंकि हमें नहीं पता कि अफगान लोग हर जगह है, स्पेशली इंडिया में तो ज़्यादा है ठीक, लेकिन हम जो वहाँ पे जाते हैं कोई नहीं है बात करने में, कोई हमारा आवाज़ नहीं सुनते हैं कि हाँ ये क्या चाहते हैं, इनका प्रॉब्लम क्या है, स्पेशली इनका क्या चाहिए, कोई नहीं है। और जो गेट पर गार्ड है कह रहे कि हाँ मैडम बोलिए, और अगर नंबर भी हम देंगे और हमें कॉल भी नहीं आता, कोई हमारा आवाज़ नहीं सुनता है यहाँ पर, स्पेशली यूएन। एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अब आप ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन आए हैं, लेकिन क्या आप और अमित सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, यहाँ पर देखिए भारत सरकार ने जो कदम उठाया, जो फैसला लिया, क्योंकि अगर देखें तो अफगानिस्तान पर 24 घंटे में सीसीएस की दूसरी बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें ये लगातार फैसले लिए जा रहे हैं कि वहाँ फंसे भारतीयों को किस तरीके से लाना है, और जो यहाँ पर नागरिक रह रहे हैं अफगान के, वो इस बात के लिए शुक्रगुजार भी हैं। जी हाँ बिल्कुल, जो अफगानिस्तान के लोग दिल्ली में रह रहे हैं और देश के कोने कोने में रह रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा शुक्रगुजार है, क्योंकि हमेशा जब भी अफगानिस्तान में इस तरीके से आफत आई है तब हिंदुस्तान उनके बगल में जाके खड़ा हुआ है, और इस बार जब एक बार फिर तालिब ने कब्जा कर लिया अफगानिस्तान पर, तो देखिए यूएन में किस तरीके से भारत जाकर अपनी पक्ष रख रहा है, वो चेयर कर रहा है मीटिंग्स को, ताकि अफगानिस्तान के लोग जो हैं वो बच सके। और एक अलग बात यह भी है कि अफगानिस्तान में जो विकास हुए हैं वो हिंदुस्तान की ही देन है, वो इंडिया की ही देन है, और इंडिया ने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है अफगानिस्तान में किया है, और वहाँ के लोग ये जानते हैं, और यही वजह है कि वहाँ के लोग जो है अपना सच्चा दोस्त अगर किसी को मानते हैं तो वो इंडियन को ही मानते हैं, और जबकि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर वो लगातार वो कहता रहा है कि वो तालिबान का समर्थक नहीं है, वो तालिबान के खिलाफ है, लेकिन वहाँ के जब नागरिकों से हम बातचीत करते हैं तो उनके नागरिक साफ साफ ये करते हैं कि अगर आज तालिबान अफगानिस्तान में दहशत फैला रहा है, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन में तालिबान वहां पर घुसा हुआ है, तो वो केवल ISI और पाकिस्तान की ही वजह से है। वजह साफ है, क्योंकि उनका कहना है कि पाकिस्तान ने ही तालिबान को समर्थन किया है, और जब आज से 20 दिन पहले जब अफगान आर्मी लगातार तालिबानियों से लड़ाई कर रही थी, लगातार उनको मुंहतोड़ जवाब दे रही थी, जो तालिबानी मारे जा रहे थे, जो उनके पास से आई कार्ड बरामद हो रहे थे, वो आई कार्ड साबित कर रहे थे कि वो जो तालिबानी थे वो दरअसल पाकिस्तान के मूल रूप से नागरिक थे, कोई पेशावर का नागरिक था तो कहीं और का नागरिक था, तो इस वजह ये साफ होता गया। लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ के लोगों को भी नहीं समझ में आ रहा, अफगानी लोगों को भी, कि आखिरकार कैसे 3 लाख से ज्यादा जो अफगानी आर्मी थी वो 75,000 तालिबानियों के सामने घुटने टेक दिए। जी रही आप जरा साथ, अफगान मीडिया के हवाले से एक खबर आ रही है, तालिबानी आतंकियों ने एक दिन पहले अफगान पुलिस के पूर्व जनरल रजाक के 4 करीबियों की कंधार स्टेडियम में सरेआम हत्या कर दी। 4 कमांडरों की हत्या को तमाशा बनाया गया, जिसे देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी। जलालाबाद की फायरिंग में भी 3 लोगों की मौत की खबर है। आज सुबह सुबह ही तालिबानी लड़ाकों ने काबुल एयरपोर्ट पर भी फायरिंग की। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान वहां रहने वाले और नौकरी पेशा महिलाओं को छूट देने की बात कह रहा है, लेकिन वहां की हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां महिलाओं को किसी भी तरह की छूट नहीं दी जा रही। खबर है कि अफगानिस्तान के राष्ट्रीय रेडियो टेलीविजन समाचार में काम करने वाली शबनम डारवराम ने एक वो महिला है, महिला पत्रकार है, जो घर जाने के लिए उनको कहा गया। उन्होंने बताया कि जब वो ऑफिस पहुंची तो उन्हें ये कहा गया कि शासन बदल गया है, आपको काम करने की इजाजत नहीं है, आप घर जाइए। तो जो हालात बने हुए हैं उसको देखकर चिंता अब होने लग गई है। अब एक बड़ी खबर बिहार से आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। तो बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है, न्यूज 18 के चंद्रमोहन कुमार की रिपोर्ट है कि आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव अपने करीबियों पर कार्रवाई होने पर भड़क गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने तेज प्रताप के करीबी आकाश यादव की छात्र आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष पद से छुट्टी कर दी।
यही नहीं, आकाश यादव की जगह उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी के छात्र गगन कुमार को छात्र आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। इस बदलाव से तेज प्रताप भड़क गए और उन्होंने जगदानंद को पार्टी का संविधान याद दिला दिया। हालांकि कार्रवाई से पहले जगदानंद ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी और उसके बाद ही आकाश यादव को पद से हटाया गया। छात्र आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने से नाराज तेज प्रताप ने एक ट्वीट किया और अपने भड़ास निकाली। उन्होंने एक ट्वीट करके लिखा कि प्रवासी सलाहकार से सलाह लेने में अध्यक्ष जी ये भूल गए कि पार्टी संविधान से चलती है और आरजेडी का संविधान कहता है कि बिना नोटिस दिए आप पार्टी के किसी पदाधिकारी को पदमुक्त नहीं कर सकते हैं। जो हुआ वो आरजेडी के संविधान के खिलाफ। तो आरजेडी में मचे घमासान पर तेज प्रताप यादव ने न्यूज 18 से भी खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने पार्टी नेतृत्व और खास तौर पर जगदानंद सिंह पर कई आरोप लगाए। क्या कहा सुनिए। तेज प्रताप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। क्या हुआ वहां पर? क्या आपके करीबी को हटा दिया छात्र इकाई से, इसलिए आप नाराज हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि संगठन में जो आदमी मेहनत करता है, जो संगठन कार्यकर्ता से बना है, ये आप सब जानते हैं और पूरे संगठन के लोग जहाँ जहाँ दल है पार्टी है सब लोग जानने का काम करते हैं तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो मेहनती है उसको हीन भावना देखा जाता है पूरे तरीके से। तो फिर ये तो आप आपकी पार्टी है, आप पार्टी में बात उठाइए। आपकी पार्टी में पार्टी की नहीं, पार्टी मेरी क्यों कैसे हुई? पार्टी तो सबकी है जी, पार्टी तो सबकी है ना, पार्टी तो सबकी है, पार्टी केवल किसी एक की नहीं ना है, पार्टी तो सबकी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर पार्टी में जिस तरीके से जो गतिविधियां होती है उसमें हम आपको शुरू से अगर कहानी में बताऊं तो उतना लंबा समय आपके पास होगा भी नहीं और आप सुन भी नहीं पाएंगे उतना लंबा समय अगर मैं बताऊंगा कहानी पूरे तरीके से, तो क्या कहानी हुआ है और कहां से शुरुआत हुआ है वो भी मैं बता दूंगा। सच्चाई पूरी जनता और पूरे छात्र के लोग ये बोल रहे हैं कि छात्र का कोई संगठन था ही नहीं, तो ये शायद भूल चुके हैं पूरे तरीके से जगदानंद जी और पूरे तरीके से ये हताश हो चुके हैं कि जिस तरीके से ये भूल गए हैं कि जेपी मूवमेंट जो हुआ था, जेपी मूवमेंट में छात्र राजद जो छात्र जो थे जो जेपी मूवमेंट में किस तरीके से हमारे पिता ने अगुवाई किया था छात्र का, वो तो सब लोग जानते हैं कि छात्र राजद छात्र वहीं से शुरुआत हुआ था छात्र का और छात्र के हमारे पिताजी उपस्थित थे कि आज उन्होंने इतना संघर्ष किया और जेपी जी और लोहिया जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया और पूरे तरीके से जो जेपी थे वो खुद छात्र छात्र के बारे में उन्होंने लेख लिखा है और खुद छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ये किया। लेकिन जो इस तरीके से हमारे नौजवानों का और छात्र के कोई भी नौजवान हो, चाहे वो बीजेपी में हो नौजवान या चाहे कांग्रेस पार्टी में हो नौजवान या लोजपा में हो नौजवान या छात्र राजद में हो नौजवान, हम सभी नौजवानों के लिए लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि केवल एक पर्टिकुलर आम आदमी के विशेष को ही हम ये नहीं तो आप, करने का आप, काम करते आप, हैं। लेकिन देखिए हाँ, आपके परिवार में ही तो है ना, मतलब आप जैसे पार्टी में आपके भाई हैं, आप उनसे कहिए कि भाई पार्टी में ये सब हो रहा है, आप उनसे क्यों नहीं बोलते? नहीं देखिए, भाई हैं तो भाई को हमने वो बाहर थे और वो ही अभी आए तो उनसे मेरी इस पे चर्चा नहीं हुई थी, लेकिन अभी उनसे मेरी बात हुई है तो वो पार्टी के कॉन्फ्रेंस मीटिंग में बैठे हुए थे तो इस पे अभी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन किसी को बिना नोटिस दिए हुए कि आप पार्टी का संविधान उठा करके देख लीजिए, जितने भी राष्ट्रीय पार्टी या रजिस्टर्ड पार्टी है वो संविधान उठा करके देख लीजिए कि किसी भी बिना नोटिस दिए हुए आप पार्टी से किसी को भी बाहर आप नहीं कर सकते हैं। और उनका उन्होंने गलती क्या किया था? छात्र नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम किया था, वो गलती किया था? छात्र नौजवानों को गांव-गांव में कस्बों-कस्बों में जोड़ने का काम किया था, वो गलती किया था? छात्र नौजवान का कोई पूछ नहीं था संगठन में, हमने छात्र संगठन को आगे उठाने का काम किया और उसको ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया, तो हमारी गलती हो गई कि तेज प्रताप यादव गलती कर रहे हैं और बड़े सीनियर लीडर भूल गए कि वो क्या कर रहे थे। बड़े सीनियर लीडर जो है छात्र को बुला लेते हैं, बुला करके फोटो खिंचवा लेते हैं अपना और फिर चले जाते हैं। अभी जो आंदोलन जो हुआ था बिहार में, हम आपको बता दें जो पथराव हुआ था हमारे ऊपर और तेजस्वी के ऊपर, वहाँ पे छात्र का नौजवान पिटा रहा था, जगदानंद सिंह जी तो पिटाए नहीं थे या बड़े सीनियर लीडर तो पिटाए नहीं थे, वहाँ तो तेजस्वी और तेज प्रताप था लड़ाई के मैदान में।
तो छात्र के नौजवान पिटाए थे। आपकी नाराजगी छात्र का नौजवान जिसके पास पैसा नहीं है जी, जिसके पास कुछ नहीं है, बैकग्राउंड से गरीब लोग हैं, वो अगर संगठन में जुड़ रहे हैं तो उनको पार्टी से हीन भावना से देखने का ये लोग काम करते हैं। हम किसी के ऊपर आरोप लगाने का काम नहीं कर रहे हैं, जो फ्रंट बात है मैं वही तेज प्रताप यादव बोलने का काम करता है। नहीं तो आपकी नाराजगी, आपकी नाराजगी जगदानंद सिंह जी से है, तो जगदानंद सिंह जी के खिलाफ आप क्या करेंगे आप पार्टी में? मैं खिलाफ की बात नहीं है, मैं खिलाफ का बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि मैं उसके खिलाफ हूँ या ये है। इस तरीके से अगर पार्टी में जो गतिविधियां होती, देखिए पार्टी किसी का ये है नहीं, पार्टी जो है पूरे तरीके से जनता का है, संगठन का है, सामाजिक न्याय का अगर हम बात करते हैं तो उसका है पार्टी, पार्टी तो किसी की है नहीं। तो इस पर अब अगला कदम आपका क्या होगा? देखिए अगला कदम का क्या है, हम अगला कदम हम बात करेंगे पार्टी के लोगों से, पार्टी के सीनियर लोगों से हम बात करेंगे कि बिना नोटिस दिए हुए अब बिना पार्टी, आप जगदानंद सिंह जी बोल रहे हैं इस तरीके का बयान आप दे रहे हैं, हम उनके पुत्र के समान हैं और अपने पुत्र को उनके गोद में हम बैठे हैं और इस तरीके का बात बोल रहे हैं, तो ये तो बहुत शर्मनाक बात है ना। इस तरीके का बात उनको नहीं, अब पहले भी बोलवाते आ रहे हैं हमको, हमको घेरने का काम किया है, कब नहीं लोग घेरने का काम किया है, न्यूज फॉर जो कौन कौन चैनल है उस पर इन लोगों ने चलाने का काम किया और लगातार चला रहे हैं चैनल पे, जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो फिर उल्टा पुल्टा आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर। नहीं तो आप जगदानंद सिंह जी के खिलाफ पार्टी में कोई वो करेंगे या कोई आरोप, मतलब जैसे जो आप बात कर रहे हैं उसको पार्टी में 44 में कैसे उठाएंगे जब आप कह रहे हैं आपकी सुन नहीं रहे हैं? नहीं तो हम तो जनता के बीच में रख रहे हैं ना बात को, आप तो चैनल सुना रहा है, आपको आप जनता सुन रही होगी आपकी चैनल को, जनता के बीच में हम रखने का काम कर रहे हैं, पार्टी फॉर्म में हम रखते हैं ये बात को, कहीं भी पार्टी का गतिविधि होता है, प्रोग्राम होता है या धरना होता है तो वहाँ भी हम पार्टी का, या चर्चा होता है तो वहाँ हम रखने का काम करते हैं, शुरू से हम रखने का काम किए हैं पार्टी में। अगर मान लीजिए कि पार्टी में जिस तरीके का गलती हो रहा है अगर वो हम नहीं रखेंगे तो आखिर पता कैसे चलेगा कि हमारा पार्टी कहाँ पहुँचा कहाँ नहीं पहुँचा, कितना ऊंचाइयों तक गया, बताइए इसका जवाब दीजिए आप। अगर आप पार्टी में आप बिना नोटिस दिए हुए आप पार्टी के किसी भी पदाधिकारी को पदमुक्त कर रहे हैं तो आज जिस तरीके का हुआ है उस तरीके संविधान के खिलाफ हुआ है, इसलिए हमने ट्वीट करने का काम किया है। हमारी कोई उनसे दुश्मनी थोड़े है जगदानंद सिंह जी से, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है उनसे, लेकिन वो इस तरीके का काम करते हैं, उनको चाहिए कि छात्र के नौजवानों को बुलाने का काम करें, उनसे राय मशवरा ले लेते हैं या हमको बुला लेते हैं, हम उनको लगातार फोन करते हैं, वो मेरा फोन भी नहीं रिसीव करते हैं। नहीं तो उधर पार्टी का जो प्रोग्राम हुआ था उस समय भी हमने उनको फोन किया था कि अंकल आप पूजनीय हैं, पिताजी के साथ रहे हैं, आदरणीय हैं, आप आइए, तो नहीं फोन रिसीव करते हैं, उस शुरू से लोग जानते हैं, पार्टी के लोग जानते हैं, उनके खुद के बेटे जो है अपने पार्टी में विधायक है वो खुद आरजेडी का झंडा जलाने का काम किए थे। चंद्रमोहन कुमार हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त पटना से जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन, खुलकर उन्होंने देखी अपनी बात कही और सबसे बड़ी बात तो ये कह दी कि फोन ही नहीं उठाते अध्यक्ष साहब, तो उनसे बात कैसे हो, और उन्होंने कहा प्रवासी सलाहकार से सलाह लेने में अध्यक्ष जी भूल गए कि क्या संविधान कहता है। ये प्रवासी सलाहकार कौन है? बिल्कुल, देखिए तेज प्रताप यादव की नाराजगी सीधे तौर पर जगदानंद सिंह को लेकर है और उन्होंने जिस तरह से ट्वीट कर सीधे तौर पर हमला बोला है, ये कहीं ना कहीं पार्टी के अंदरूनी और परिवार के अंदरूनी कला भी सामने आ गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उन्होंने कहा है कि प्रवासी लोगों से राय लेकर, प्रवासी आखिर वो किसको कहना चाहते हैं, क्योंकि विपक्ष हमेशा यह कहते रहा है और सत्ता पक्ष हमेशा कहते रहा है तेजस्वी यादव को कि वो प्रवासी हैं। जब भी कोई बिहार में बड़ी घटना होती है या फिर कोई बड़ी आपदा होती है तो तेजस्वी यादव गायब रहते हैं। ऐसे में सत्ता पक्ष के लोग, जेडीयू के लोग, बीजेपी के लोग हमेशा यह कहते रहे हैं कि वो प्रवासी हैं, और ऐसे में तेज प्रताप यादव का प्रवासी कहना सीधे तौर पर सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या वो तेजस्वी यादव को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं या फिर तेजस्वी यादव के आसपास रहने वाले लोगों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो अब जिस तरह से तेजस्वी यादव के खिलाफ और पार्टी के खिलाफ अभी तेज प्रताप यादव दिख रहे हैं, यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि पूरी तरीके से ये विरासत की लड़ाई है, क्योंकि तेज प्रताप यादव का कहीं ना कहीं कद छोटा हुआ है और तेजस्वी यादव का कद धीरे धीरे पार्टी में बढ़ते जा रहा है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में यह कमान
तेजस्वी यादव को पार्टी की सौंप दी जाए, तो इससे भी तेज प्रताप यादव नाराज दिख रहे हैं। और एक तस्वीर छोटी सी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, ये पार्टी ऑफिस के बाहर जो होर्डिंग लगा है इसी को लेकर यह विवाद खड़ा हुआ था 10 दिन पहले जब छात्र राजद का यहाँ पर सम्मेलन था और तेजस्वी यादव की इस होर्डिंग से तस्वीर गायब हो गई थी, जिसमें सिर्फ तेज प्रताप यादव और आकाश यादव के साथ जो लालू और राबड़ी देवी हैं वो दिख रहे थे। और उसी दिन से यह विवाद शुरू हुआ था जो यहाँ तक पहुँच गया है, जिसमें तेज प्रताप यादव अब सीधे तौर पर पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और पार्टी के नेताओं को के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। ठीक, आप रहिए जरा सा, देखिए तेज प्रताप के करीबी और छात्र आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष आकाश यादव को हटाने पर मचे सियासी घमासान पर तेजस्वी यादव ने फिर एक बार अपनी बात रखी और सब कुछ ठीक कर देने का भरोसा दिया। किसी को सबकी अलग अलग राय है, आप लोगों का सवाल जो है उससे हम इतना ही कहना चाहेंगे कि सब कुछ हम है तो ठीक कर लेंगे, चिंता काहे ना आप लोग कर रहे हैं इतना, जब हम चिंतित ही नहीं है, जब हम हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा।